समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त कोरोना संक्रमण की वजह से आइसोलेशन में हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थिति यहां तक आ गई है कि अस्पतालों में जगह नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है। तस्वीरें ऐसी सामने हैं जिसे देख करके दिल बैठ जाए। वही हाल उत्तर प्रदेश के अलग अलग शमशान घाटों का भी है, जहां राजधानी लखनऊ हो या बनारस हो, गोरखपुर हो, मेरठ, गाजियाबाद, कोई भी जगह हो, स्थिति भयावह हो चली है। सरकारी आंकड़ों की माने तो प्रतिदिन 195 लोगों की मौत हो रही है, वहीं 35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबियों की माने तो अखिलेश यादव काफी संवेदनशील व्यक्ति हैं और किसी के दर्द और तकलीफ को नहीं देख पाते हैं। शायद यही वजह है जिसकी वजह से वो अपना दर्द कविताओं के जरिए बयां कर रहे हैं। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीकंधा बन जाता हूं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पिछली बार लोगों को भोजन की जरूरत थी, लोगों को पानी की जरूरत थी, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश की करोड़ों की जनता को भोजन पानी दिया। मगर इस वक्त ऑक्सीजन और दवाओं की जरूरत है और ये दोनों वस्तु समाजवादी पार्टी के ना तो अध्यक्ष के पास है और ना ही कार्यकर्ताओं के पास है। नेताओं का यह भी कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव पिछली बार लोगों के लिए बड़े पैमाने पर मदद कर रहे थे, इस बार वो मदद नहीं कर पा रहे हैं। खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो जरूरत का सामान जनता उनसे मांग रही है वो दोनों सामान उनके पास नहीं है बल्कि सरकार के पास है। इसी कारण अखिलेश यादव का दर्द बढ़ गया है और वही दर्द वो अब कविताओं के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। हाल ही में उदय प्रताप सिंह के द्वारा लिखी गई दो कविताओं को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और इन कविताओं में लिखा है कि जिंदगी और मौत में है मारामारी किस कदर, ऐसी बदहाली में भी है काला बाजारी किस कदर, महंगा ऑक्सीजन खरीदो एक एक घंटे के लिए, मुफ्त में बांटे पेड़ उन पर चलती आरी किस कदर, कुछ मुनाफे के लिए झटके जो लाशों का कफन, शक्ल सूरत से वो लगते धर्मधारी किस कदर, यमराज जिनको ले गए सरकार उनका क्या करे, खामोखा चिल्ला रहे हैं नर और नारी किस कदर, आदमी भगवान बन जाने के धुन में जब लगा, आदमी भगवान बन जाने की धुन में जब लगा, आरती जनता ने तब उनकी उतारी किस कदर, जनता और सरकार के हर आंकड़े में फर्क है, विश्व गुरु बनने की है अपनी तैयारी किस कदर, हालात देख सबको बदल जाना चाहिए, जीना है तो थोड़ा संभल जाना चाहिए, हम जिंदगी और मौत के दरमियान खड़े हैं, कोशिश करें कि ये वक्त टल जाना चाहिए, खता किसकी है कितनी ये बाद में तय करें, पहले सुरंग से तो निकल जाना चाहिए, महबूब से मिलाने की जिद दिल अगर करे उससे बहाना कीजिए कल जाना चाहिए, हमको पता है आपका दिल मोम नहीं है पर दूसरों के दुख में पिघल जाना चाहिए, अब तक हम ठीक ठाक हैं ईश्वर की कृपा से, अब तक हम ठीक ठाक हैं ईश्वर की कृपा से, इस धोखे में ज्यादा ना टहल जाना चाहिए, सियासत में जुमलेबाजी का माना महत्व है पर झूठ के साचे में ना ढल जाना चाहिए, आवाम के दुख दर्द के शायर हो तुम उदय, इस दौर में भी एक गजल गाना चाहिए, उदय प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का जो दर्द इन कविताओं में झलक रहा है, शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति को देखकर किसी का भी दिल भर आएगा।